हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। तो बच्चों, अभी तक हमने जो हमारे व्यंजन थे वो हमने क से इंग तक किए थे, है ना। जो हमारे व्यंजन थे वो हमने क से इंग तक किए और वापस हमने एक बार इसको रिपीट भी किया। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज हम करेंगे च, कौन सा व्यंजन? च, छ, ज, झ, इय। ओके, क्या करेंगे हम? सबसे पहले व्यंजन जो है च, च, फिर है छ, छाप ऐसे भी बना सकते हो, ओके, ऐसे छ, फिर है ज, फिर है झ, फिर है इय। तो हम बोलते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे, ओके। च, तो पहले हम च लिख लेते हैं सारे। च, च, देखो कैसे लिखना है, स्लीपिंग लाइन देन ऊपर की तरफ हाफ सर्कल की तरह, ना। च, 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 अब हम लिखेंगे झ, 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 सॉरी छ, 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 हम लिखेंगे ज, 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 फिर छ, 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 झ, झ, इंडी का बनाना है, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, इमली का स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन। इसी तरह से हम अपना लास्ट वाला लिख लेंगे इया। तो बच्चों, इस तरह से हम अब लिखेंगे हमने कौन कौन से व्यंजन लिख लिए, च, छ, ज, झ, इया।
बच्चों अभी आपको इसको लिखना, पहले पढ़ना है एक बार अच्छे से, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके आपसे आता है तो बहुत अच्छी बात है, और इसको वन पेज लिखना भी है ना, ताकि आपको राइटिंग वर्क भी आए। आपको भी जो समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।